बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह ये आधे आस पावर की मोटर पे बात करेंगे। इस पे बात करने की वजह यह है कि पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन कुछ दोस्त बिल्कुल ही एक ही जगह बैठ के रहते हैं कि आधे की मोटर से ही आगे नहीं निकल पाते, और कुछ वजूहत भी हो जाती हैं। ये 24 लाख की मोटर हमने बनाई है, इसका मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करूँगा, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि ये जो 24 स्लॉट की मोटर है, ये एक 36 स्लॉट की मोटर है। 24 और 36 ही आती हैं मेरा ख्याल है आधे आस पावर की। तो इन दोनों में कुछ पावर के हिसाब से तार ज़ाहर मोटी बरी करनी पड़ती है, ये भी आज बात करते हैं, अगर पूरी जहन में रह जाती है तो। बाकी कोशिश तो ये है कि इसका फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये 24 स्लॉट की मोटरें जितनी भी हैं, ये हम 21 नंबर से भी बना लेते हैं, 22 से भी बना लेते हैं। 22 और टर्नेज की एक जैसी रहती हैं। जो 24 स्लॉट मोटर है, इसमें तकरीबन 150 टर्ने आती हैं। आप 155 अगर 22 नंबर डालनी है, 160 भी कर सकते हैं। और हमने इसके 2.7-2.8 एम्पेयर जो है ना, वो क्रिएट खाली पे लाने होते हैं। तो अगर पावर चाहिए, कई लोग ये डोंकी पंप जो है वो पानी खींचने के लिए रखते हैं कि बाहर से हमने सिर्फ खींचना है, तो सक्शन जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती। पानी ज़ाहिर है सप्लाई का आ भी रहा होता है, तो आप जब चलाते हैं तो वो नॉर्मली खींच रहा होता है। उसके लिए आप 22 नंबर डाल के एक सेट की 160 टर्ने, ठीक है, वो डाल सकते हैं। तो बाकी अगर प्रेशर से दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पर पानी लेके जाना है, फिर 21 नंबर की, और वो 21 नंबर आप 150 टर्ने डालेंगे एक सेट की, यानी 75-75 या 70-80, वो स्लॉट देख के आप उसके ये 24 नंबर में, ठीक है। और वज़न जो है वो आप यानी कोयल का साइज़ का हिसाब खूबसूरत रखा करें। तकरीबन अगर 22 नंबर डालेंगे, उसकी 160-170 ग्राम वज़न हो जाता है एक सेट का, और अगर 21 नंबर डालेंगे तो वो 210 और 220 तक भी सेट का वज़न जाता है। जितनी लंबी कोर होगी, मोटर की पावर ज़्यादा होगी, तार आपको मोटी डालनी पड़ेगी और उसकी पावर बनानी पड़ेगी, मजबूत होती हैं। कोर बिल्कुल पतली होती है, वो इतना पावर नहीं, जितना लंबा रूटर होगा उसकी पावर बनती है। तो पहली बात तो यह है, आप इससे पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी किया करें, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता होता हूँ और दोस्तों से शेयर भी करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, ये रावलपिंडी में सिर सदर रोड पर, वो 25 आस पावर की मोटर थी, वो बड़ा मसला बना था, सीमेंस की मोटर थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन लग रहे हैं, उनका फार्मूला निकाला है, वो एरिया निकाला है, तार नंबर जो भी है, गेज, वो दोबारा उसका फार्मूला, तो मोटर कामयाब हुई है, चलाइए, बड़े खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, नेकी के कामों में हाथ बटाता रहूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपके घर वालों को भी खुश रखे, आपके कारोबार में अल्लाह ताला इजाफा करे। नेक नीति से काम किया करें, कोशिश किया करें कि लीगल काम करें, अल्लाह पाक बरकत देगा इंशाल्लाह। तो बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो 0308-7920-750, ये मेरा है, तो जोंग है, जायज़ है, लेकिन जोंग पे मैंने कन्वर्ट कराया हुआ है, तो इसी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है। रावलपिंडी में हमारा सेटअप है, अगर इर्द गिर्द के हमारे कुछ दोस्त हैं वो आना भी चाहें, को काम ले कर, हमारा फ्रिज, एसी का, CCTV सारे हम माशाल्लाह, और ये इस्त्री की तार वगैरह की हम मशीनें भी बना रहे हैं, वो भी हमारे साथ आके तो काम भी सीख सकते हैं, मशीनें भी देख सकते हैं। किसी ने मशीन लगानी है, इस्त्री का शू बनाना है, पावर केबल का, डाटा केबल का, किसी को शौक़ है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये जो 36 स्लॉट मोटर है, ये भी इन दोनों नंबरों से बनती है, लेकिन ये कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारे पास 24 स्लॉट मोटर आई थी, असल बात जो मैं आपको बतानी है, इसके तकरीबन स्लॉट जो है ना, एक एक इंच गहरे थे, गहरे स्लॉट वाली मोटर थी। एक तो नॉर्मल होते हैं उसमें 21 नंबर ही बमुश्किल डलती, लेकिन हमने इसमें पावर बनाने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये हमारा जो वर्मा लगा हुआ है ये छोटा है, हम बड़ा वर्मा लेके आएंगे, ये जो हैंड रेल होती है सुराख करने के लिए, इस पर हम लगाएँगे, और इसमें हमने 20 नंबर डाली, और 20 नंबर की हमने टर्ने भी ज़्यादा किए हैं, तकरीबन 175 टर्ने हमने डाली हैं, और हमारे जो अम्पेयर आए हैं वो 2.9 आए हैं, यानी 3 अम्पेयर तक हमने बेहतरीन मजबूत, और इसकी कम से कम 2.5 इंच लंबाई थी कोर की, 20 डाल के हमने और ज़्यादा मजबूत कर दिए,
ताकि वर्मे से वर्मे के ऊपर ना इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कोशिश करें जितने गहरे स्लाट होंगे आप सिल्वर में बगैर जोड़ के हमने चारों को इकट्ठे बनाए थे वो डालें, और इसके हमने अंपेयर तीन के बराबर कर लिया, तीन साढ़े तीन इसका लोड का अंपेयर जाता है, और बेल्ट वाली है आराम से वो चलती रहे तो फिर चलती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह अप डाउन नहीं जाते। इसलिए कोशिश करें कि स्लाट गहरे का हिसाब रख के कोर की लंबाई का तरतीब देख के आप फार्मूला बनाएं, इंशाल्लाह मोटर मजबूत चलती हैं। अच्छा ये 36 स्लाट है और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो आधे हाथ पावर की 36 स्लाट मोटर है ये डेफिनेट मैं 21 नंबर से ही बनाता हूँ। आप चाहे बाहर से सक्शन इसकी मजबूत करें या बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ाएं दूसरी तीसरी मंजिल तक, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि डोंकी पंप भी ठीक होना चाहिए, उसकी पंप वगैरह जो भी है क्रैंक राड वगैरह उसके वाल बोकियाँ वगैरह लीकेज ना हो, आयल हो उसमें रवा हो, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, फिर ये जाके मोटर अपने तरतीब से अपने एम्पेयर के ऊपर चलती है। इसमें हम 21 नंबर डालते हैं, ये 36 स्लाट है, और 21 नंबर की हम 180 टर्ने डालते हैं, चार कोयल का सेट बनाते हैं, 30 50 50 50 और तकरीबन 250 ग्राम सेट तकरीबन बनता है। ये कोशिश करें, और बाकी स्टार्टिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, 23 भी डालें, 24 भी डालें, 25 भी डालें, 22 भी डालें, 21 भी डालें, लेकिन 90 टर्ने तकरीबन हम कोशिश करते हैं, 85 या 90 सिंगल कोयल का सेट 24 का आता है, आपको पता ही है बनाते हैं अक्सर, सिंगल कोयल डालेंगे 85 या 90 टर्ने रखेंगे 24 की, लेकिन अगर 23 करेंगे तो आप थोड़ी टर्ने काम कर लेंगे, क्योंकि हमने मैग्नेट की तरतीब अभी देखें ना, मैग्नेट आप फ़र्ज़ किया अगर 50% रखना है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 23 की आप टर्ने थोड़ी करेंगे फिर 50 आएगा, 22 की और थोड़ी करेंगे फिर 50 आएगा, 21 की आधी करेंगे फिर 50 आएगा, जिस तरह हम सर्कुलर मिल अगर डबल 24 से बनी हो हम 21 भी इस्तेमाल करते हैं, अगर 21 ना मिले हम डबल 24 बना लेते हैं, इस तरह स्टार्टिंग भी आप अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का इतना इशू नहीं होता। अंपेयर हमेशा आप आधे की बनाएं, एक हाथ पावर की बनाएं, टोका मोटर की बनाएं, डेढ़ की दो की जो भी है, पहले सिर्फ रनिंग डाला करें, उसको बंद करें, चलाएं और अंपेयर चेक करें। अभी ये देखें ये जिस तरह अभी मेरे ख्याल ये 36 स्लाट का फार्मूला भी मुकम्मल हो गया है, 21 नंबर से डालनी है, 180 टर्ने एक सेट की, 250 ग्राम वजन होता है, ठीक है, और ये भी कोर लंबी है, ये भी मोटर मजबूत है, तो ये हो गया। ये अभी हमने 20 नंबर सिल्वर डाली है बगैर जोड़ के, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, 2.9 तक इसके एम्पेयर आए थे ये हाथ से घुमा के, तो मैं ये इसीलिए बात करता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि पहले सिर्फ हमने जिस तरह ये रनिंग डाली है आप भी रनिंग डालें, तो पहले रनिंग के आप एम्पेयर चेक करेंगे, ये थोड़ा सा हाथ ये देखें हाथ से घुमा के मैंने चलाई है तो बेहतरीन चल रही है, और ये देखें 2.8 इसके एम्पेयर जो हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन मजबूत एम्पेयर हैं। आप इसको हाथ से भी ये देखें ना पकड़ेंगे तो ये पकड़ी नहीं जाती, ये बड़ी तकड़ी बन गई क्योंकि तार मैंने मोटी कर दी। तो इसी तरह कोशिश किया करें, ये बड़े सिंपल हैं, ये जो दो मोटरें हैं ये 21 और 22 से बाहर नहीं निकलती, जिस तरह मैं मोटरों का तरतीब देता होता हूँ। अभी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो है जो हम वो बनाएंगे, सुपर एशिया का हमने एक पेडिस्टल बनाया है, तो उसके मैं आपको टर्ने भी बताऊंगा, वज़न भी बताऊंगा, कापर में बनाया और बड़ी बेहतरीन स्पीड उसकी बनी, तो कोर भी मोटी होती है ज़ाहिर है, वो तकरीबन 1.5 इंच मोटी कोर होती है पेडिस्टल की, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कोशिश करें ये आधी हॉर्स पावर की मोटरें इनका फार्मूला लिख लिया करें, ये बड़े सिंपल हैं, तो सिर्फ रनिंग के एम्पेयर जो है बराबर किया करें, कोई भी 1400 आरपीएम वाली मोटर आपके पास आती है तो। तो मेरा ख्याल है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ये आधी हॉर्स पावर की मोटर के फार्मूले नहीं भूलेंगे, ये आप बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।